discharge tube. This is cathode, this is perforated. Perforated matlab beech mein ek hole hai, there is a hole over here. Okay, now what is the apparatus explaining to you? The very first thing that you will see over here is that we are using a very huge voltage. Beta, what is voltage? Let us try to understand voltage hota kya hai. See, there is a formula called VI, or this three terms VIR, voltage, current, resistance. Suna na aapne? Voltage, current, resistance. Okay, now what is voltage? Dekho beta, main bahut simple example leta hu. As if I am taking a shower in the bathroom, main bathroom mein naha raha hu, to kya hai, ek height se mere upar pani gir raha, you know, water is falling on my head from a particular height. Okay, fine. तो जिस हाइट से पानी गिर रहा है, द हाइट फ्रॉम विच यू नो द शावर इज कमिंग डाउन, सो दिस इज द हाइट, हियर यू आर हैविंग दिस शावर फ्रॉम विच द वाटर इज ट्रिकलिंग डाउन, सो दिस हाइट इज वोल्टेज, दिस वाटर विच इज कमिंग डाउन इज द करंट, एंड द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ओवर हियर, द स्लिम ट्रिम गाय लाइक मी, यू सी आई एम सो स्लिम ट्रिम, ओके. And as you can see, I don't have hairs on my head, so I have made a circular head. Okay. So now this guy, this person is behaving as the resistance. Okay. Fine. So voltage, current, resistance. Fine. So now what is happening? Because the voltage is very low, so this resistance is enjoying the water. The person is enjoying the water. भाई बाथरूम में खड़ा है, पानी गिर रहा है, enjoy कर रहे हैं. Because the voltage is less. So I am enjoying the water. But what if मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं किसी डैम के गेट के नीचे जाके खड़ा हो गया कि यार नहाना है तो खूब सारे पानी में नहाओ, है ना. फिर डैम का गेट खुलता है तो क्या होगा? बोलो सर, आप पहले पानी से मजे ले रहे थे, अब पानी आपसे मजे लेगा. राइट, आई विल बी फ्लोन अवे. फाइन, बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज देयर. तो व्हेन आई विल बी फ्लोन अवे, मैं कब बहके चला जाऊंगा? व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर इज ह्यूज. तो यहां कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन को निकलना है. कब निकलेगा? व्हेन द वोल्टेज इज ह्यूज. व्हेन द वोल्टेज इज ह्यूज, सो व्हाई वी आर यूजिंग 10,000 वोल्ट? फाइन, हाई वोल्टेज, हेल्प्स इन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड. ठीक है, फाइन. अच्छा, अब क्या है, मैं खड़ा था डैम के गेट के नीचे, ऊपर से पानी आया, मैं बह गया. लेकिन क्या है, रास्ते में बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर हैं, तो क्या होगा? मैं ऐसे गया, किसी भी पत्थर से मैं, मतलब आई कैन यू नो टेक होल्ड, ट्राई टू होल्ड दैट स्टोन, कुछ सहारा लेकर के बाहर निकलने की कोशिश कर सकता हूं. बिल्कुल एकदम से स्टेप्ड अवे नहीं हो जाऊंगा. जैसे सी तो नहीं है, समुद्र में क्या होता है, पत्थर वत्थर नहीं, बिल्कुल बह गया बंदर. तो अगर बहुत सारे बीच में ऑब्स्टेकल्स होंगे तो मैं स्मूथली फ्लो नहीं कर पाऊंगा. मानते हैं आप लोग, सब बीच में अटक जाओगे. या मान लीजिए कि कोई बोट है, बोट को जाना है, मेरी छोड़िए, कोई बोट है, बोट को जाना है साथ में, अब इसमें बड़े बड़े पत्थर रखे हुए, तो क्या होगा, बोट उनसे टकराएगी, टूट जाएगी यार, जा ही नहीं पाएगी आगे. राइट, तो ये बड़े बड़े पत्थर बेसिकली क्या हैं? दीज आर नथिंग बट द एटम्स ओवर हियर. ये जो गैशियस एटम्स इसके अंदर आ जाते हैं ना बेटा, ये बड़े बड़े पत्थर हैं. देखिए, अब बेचारा एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा, इतना सा इलेक्ट्रॉन है, देखो ये कैसे पहुंचेगा दूसरी तरफ, टकरा जाएगा बीच में, जा ही नहीं पाएगा, है ना. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर इन एटम्स को निकालो, ये तो भी इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हैं सर, ऐसे ये तो बड़का पड़ा, इनको निकालो. तो हमने क्या किया, इनको निकाल दिया, इनको पूरा निकाल दिया हमने, निकालो बाहर यार, इनको पूरा प्योर वैक्यूम कर दिया. अच्छा, इनको निकाला तो देखा कि यार इलेक्ट्रॉन तो यहीं गिर गया, पास में गिर गया, आगे जा ही नहीं पा रहा, बड़ा गड़बड़ है यार, क्या करें. तो फिर हमने देखा कि बच्चे कैरम बोर्ड कैसे खेलते हैं. कैरम बोर्ड में क्या होता है, सारे कॉइंस रखे होते हैं, आप स्ट्राइकर से जोर से हिट करते हैं,
तो क्या होता है, स्ट्राइकर एक कॉइन को हिट करता है, वो दूसरे को करता है, वो तीसरे को करता है, वो फोर्थ वन को करता है, टक 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 ऐसे चला जाता है, कोलिजन होता है ना। तो हमने सोचा यार देखो, फ्री करने से, गैस खत्म करने से बात नहीं बनेगी, तो हमने क्या किया बेटा यहां पर कि वैक्यूम पंप से लो प्रेशर कर दे। लो प्रेशर का मतलब है वेरी लेस नंबर ऑफ एटम्स, 1, 2 और 3 लाइक दिस, बहुत कम एटम। तो अब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, ध्यान से समझिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला उसने इस एटम को हिट किया। अब ध्यान से समझो, यहां से इलेक्ट्रॉन नंबर 1 निकला, अब उसने एक एटम को हिट कर दिया, अब उसको आगे नहीं जाना है। अब इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये हो सकता है नंबर 2 था, उसने अगले एटम को हिट किया। अगले एटम में से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकला, लेट अस से इट इज एटम नंबर 3, उसने इसको हिट किया, और फिर इसमें से एटम नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर 4 निकला जो इस होल के थ्रू पास कर गया, जो इस होल के थ्रू पास कर गया और जाकर के सीधा यहां पर टकराया। हमने क्या कर रखा है बेटा, ये जो ट्यूब का एंड है इस पे जिंक सल्फाइड लगा रखा है, जिंक सल्फाइड कोटिंग। तो जिंक सल्फाइड के कोटिंग से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जाके से टकराता है ना, तो एक चमक पैदा होती है, एक शाइन निकलती है वहां से। तो जब ये शाइन निकली तो हमें लगे अरे हाँ यार कुछ तो है यहां पर, समथिंग इज देयर। अब जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट चला तो क्या होगा, धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक किया तो ग्लो कर रही थी, तो हमें पता लग गया यार कुछ तो है। अब वो कहां से निकला, कैथोड से निकला, कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज, किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं दे मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अच्छा, बट बिफोर दैट वैक्यूम पंप किसने लगाया गया, फॉर लो प्रेशर, क्योंकि लो प्रेशर होगा तो लेसर नंबर ऑफ एटम्स होंगे। एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकला है, द इलेक्ट्रॉन विच हैज रिजेक्टेड फ्रॉम कैथोड इज नॉट गोइंग टू रीच ओवर हेयर, वो यहां नहीं पहुंचने वाला है। This will hit this atom, electrons will eject, then will hit this one, then will hit this one, then will move out. This is how it is going to happen. Am I clear with this? Tell me. Is this clear? So what they did was, they applied over here a positive and a negative electric field. मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया यहां पे एनोड के बाद, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ किया, नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ किया। ऐसा करने के बाद उन्होंने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से आया ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, किस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यार अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, इसका मतलब दिस इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, क्योंकि तभी ये पॉजिटिव की तरफ रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, ऐसा ही बात है। तो यहां से हमें कुछ हिंट मिलती है ई के बारे में, यानी चार्ज के बारे में। फिर उन्होंने क्या किया, परपेंडिकुलर टू ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ना, इधर नॉर्थ पोल, सॉरी साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, यानी मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया परपेंडिकुलर। अगर ये ऐसे है, अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ऐसे इन्होंने परपेंडिकुलर टू इट क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। देखो, अब देखो ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, ऊपर की तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज, नीचे नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन यहां से आया तो ऊपर की तरफ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने क्या किया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब आप इसको इस तरीके से सोचो कि बेटा आप, अब जैसे अर्थ है, तो अर्थ में आप ऐसे समझो कि अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, है ना, ये नीचे की तरफ है, तो आपका अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपका मैग्नेट है, वो कैलिब्रेटेड है, तो क्या करेगा वो, या तो नॉर्थ पोल की तरफ एरो दिखाता है या साउथ पोल की तरफ दिखाता है। नॉर्मली जो हम कैलिब्रेट करते हैं वो नॉर्थ पोल की तरफ एरो दिखाता है, साउथ पोल की तरफ टेल दिखाता है, ऐसे ही होता है। तो मान लीजिए मैंने यहां पर एक नॉर्थ पोल लगाया, यहां पर एक साउथ पोल लगाया, अब जो भी इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, उस मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होता है, मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होता है,
क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होता है. अब ये इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब आपने मैग्नेट लगाया, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने देखा कि नॉर्थ की तरफ जाकर के, यानी पॉजिटिव साइड की तरफ, पॉजिटिव साइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाकर के अट्रैक्ट हुआ. तो जब आपने मैग्नेटिक फील्ड यहां पर लगाया, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से ये मैग्नेट ने इसको अपनी तरफ खींचा, तो ये इस तरफ जाकर के कोलाइड किया. तो आपने कहा ओके, अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, ध्यान से समझना, अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब इसमें मास है. ध्यान से समझना मेरी बात, मैग्नेट और कुछ नहीं बता रहा, मैग्नेट सिर्फ इतना बता रहा है कि मास है. फॉर एग्जाम्पल, एक बात बताओ, मैं जमीन पर क्यों खड़ा हूं, व्हाई एम आई स्टैंडिंग ऑन द अर्थ. आप बोलोगे सर बिकॉज यू आर पुल्ड बाय ग्रेविटी, यू आर पुल्ड बाय ग्रेविटी. तो मैं बोलूंगा यार इफ आई एम पुल्ड बाय ग्रेविटी तो मेरा कुछ तो वेट होगा ना, माय मास वुड बी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो आप बोलोगे हाँ सर बात तो सही कह रहे हो, तो मेरा मास है, दैट इज व्हाई आई एम पुल्ड डाउन, राइट. अगर मेरा मास नहीं होता तो बोले सर फिर आप तैरते हवा में, ऐसे यही होता ना, मेरा मास है, दैट इज व्हाई आई एम पुल्ड डाउन टुवर्ड्स द ग्रेविटी. तो भाई इलेक्ट्रॉन का मास है तभी तो नीचे की तरफ खींचा उसको, पॉइंट तो सही है, तभी नीचे की तरफ खींचा. अब हमने क्या किया, फिर हमने दोनों लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया. पहले हमने क्या किया था, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, फिर हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड लगाया. अब हमने दोनों लगा दिए, ठीक है. जब हमने दोनों लगाए वहां पर और उनकी वैल्यूज को बैलेंस किया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेट की तरफ नीचे जा रहा है, तो उसने कहा चलो एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा जो है कम करो, तो थोड़ा सा नीचे आने लगा, फिर वो और नीचे जाने लगा. चलो मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा कम करो, तो जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस किया उन्होंने, तो दे ऑब्जर्व्ड कि इलेक्ट्रॉन वापस से सीधी लाइन में आने लग गया, सीधी लाइन में आने लग गया. तो आपने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाया, उससे आपके पास क्या आया, ई बाय एम रेशो. क्या आया, ई बाय एम रेशो. दिस इज कॉल्ड एज चार्ज टू मास रेशो. दिस फॉर इलेक्ट्रॉन इज समवेयर अराउंड 1.7588 इंटू 10^11 केजी, सॉरी कूलम पर केजी, कूलम पर केजी, ठीक है.